हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लर्न हब यूट्यूब चैनल में। अगर आप स्टूडेंट हैं और पढ़ाई करते हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है रोहित गुप्ता और मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं कास्टिंग में टाइप्स ऑफ पैटर्न। ये लेक्चर नंबर 6 है। अभी तक लेक्चर नंबर 1 से लेक्चर नंबर 5 तक मैं आप लोगों को कास्टिंग के बारे में बता चुका हूँ, डिज़ाइन ऑफ पैटर्न और श्रिंकेज अलाउंस और 5 टाइप के जो अलाउंस होते हैं वो सभी बता चुका हूँ। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ पैटर्न के बारे में। सबसे पहले ये जान लीजिए कि ये कोर्स अगर आप गेट मैकेनिकल, गेट प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग और ESE मैकेनिकल के स्टूडेंट हैं तो आप लोगों के लिए ये कोर्स बहुत ज़रूरी है। ये पूरा कोर्स डिटेल्ड होगा, फुल कंप्लीट कोर्स है फॉर द कास्टिंग। तो चलिए शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ पैटर्न के बारे में। तो ये सबसे पहला टाइप्स है वो कहलाता है सिंगल पीस पैटर्न। जैसा कि नाम से प्रेजेंट हो रहा है, सिंगल पीस मतलब ये पूरा पैटर्न एक पीस में ही होता है। ये आप बीच से डिवाइड नहीं कर सकते, इसको दो तीन ऐसे होते हैं कि दो तीन पैटर्न को आपस में जोड़ के एक पैटर्न बनाया जाता है, ये उस टाइप का नहीं है। ये सिंगल पीस है मतलब एक ही पीस होगा। तो इसका जो ऊपरी सरफेस होता है वो फ्लैट होता है। क्यों? क्योंकि जब हम किसी पैटर्न से मोल्ड कैविटी बनाएंगे तो उस पैटर्न को आपको बाहर भी निकालना होगा, तभी आपको डिज़ायर शेप की कैविटी मिलेगी। और जब आप ये सिंगल पीस पैटर्न यूज़ कर रहे हैं तो आपको उस पैटर्न को बाहर निकालना होगा, और ये तभी निकले जब ये निकल जाएगा तो ऊपर वाली जो सरफेस है उसका आपको प्रिंटिंग नहीं मिलेगी इस वाली सरफेस की। क्यों? क्योंकि जो सैंड होगी वो इन्हीं तीन सरफेस पे लगेगी। अगर चौथे सरफेस पे भी लग जाएगी तो इस पैटर्न को बाहर कहाँ से निकालेंगे? तो एक सरफेस उसकी फ्लैट होनी चाहिए, तो उसी सरफेस से हम उसको बाहर निकाल लेते हैं। और जब फिल होता है, वो कैविटी फिल होती है, तो उसकी ऊपर वाली सरफेस फ्लैट आ जाती है, जिसको हम आफ्टर मशीनिंग के द्वारा और बहुत सारे प्रोसेस के द्वारा शेप में ला सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, आप देखिए, वन पीस और सिंगल पैटर्न होता है। ये इनएक्सपेंसिव होता है, मतलब ज़्यादा खर्चा नहीं होता इसमें, और ये बहुत ही सिंपल होता है और कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है। और ये बहुत छोटे छोटे एप्लीकेशनों में यूज किया जाता है। और क्या है इसके बारे में? और बस ऐसा कुछ नहीं है इसके बारे में। ये बस समझ लीजिए कि ये मैंने बताई दिया आपको कि ये कैसे यूज होता है, कहाँ कहाँ यूज होता है। ऊपर एक सरफेस आपकी फ्लैट होनी चाहिए, ये ज़रूरी पॉइंट है। और सिंगल पीस जैसे कि नाम से ही है कि ये सिंगल पीस में होता है ना। दूसरा होता है स्प्लिट पीस और टू पीस पैटर्न। जैसे कि नाम से रिप्रेजेंट हो रहा है, वो सिंगल पीस था, मतलब ये सिंगल पीस ये हो गया। अगर इसी को हम स्प्लिट कर देंगे दो पार्ट में, कि मतलब ऊपर का पैटर्न अलग, नीचे का पैटर्न अलग, तो हम जो कैविटी बनाएंगे वो ऊपर से अलग कैविटी बनाएंगे, नीचे से अलग कैविटी बनाएंगे, फिर दोनों मोल्ड को आपस में जोड़ देंगे, तो ये बाद में हमारी एक टोटल कैविटी बन जाएगी जो सर्कुलर शेप में होगी। ठीक है, तो ये सारा पैटर्न है जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। क्यों? क्योंकि हर एक जो पैटर्न जो होता है, मटेरियल होता है जो हमें डिज़ायर शेप चाहिए, उसका फ्लैट नहीं हो सकता सरफेस, और हम ऊपर वाली सरफेस को ओपन भी नहीं रख सकते, हमें उसको क्लोज्ड चाहिए। तो अगर आपको कैविटी इन क्लोज्ड में चाहिए तो आप सिंगल पीस से बना ही नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि पैटर्न बनाने के बाद उस पैटर्न को बाहर कैसे निकालेंगे? तो इसमें क्या करते हैं, दो भागों में बनाते हैं कैविटी। ऊपर की कैविटी अलग बना लेते हैं, नीचे की कैविटी अलग बना लेते हैं, फिर दोनों को आपस में जोड़ देते हैं और बीच से गेट बना देते हैं, बीच से उसको मटेरियल फ्लो होने का रास्ता बना देते हैं। तो मटेरियल आता है और यहाँ से इस गेट के थ्रू कैविटी में फिल हो जाता है। तो जैसे कि ये सर्कुलर बॉल है, अब सर्कुलर बॉल का अगर आप कैविटी बनाना होगा तो सिंगल पीस से कभी नहीं बना पाएंगे, इसीलिए आपको टू पीस पैटर्न की ज़रूरत पड़ती है। और ये स्प्लिट होता है जहाँ से, उसको बोलते हैं पार्टिंग लाइन या पार्टिंग सरफेस। ये याद रखिएगा कि पार्टिंग लाइन क्या होती है या पार्टिंग सरफेस, जहाँ से टू पीस पैटर्न स्प्लिट होता है। ठीक है, और ये टू हाफ पैटर्न में भी होता है कि आधा भाग ऊपर आधा भाग नीचे, या फिर कभी कभी होता है कि छोटा भाग नीचे हो जाता है ऊपर बड़ा भाग हो जाता है, वो डिज़ाइन के हिसाब से करते हैं। जब आप डिज़ाइनिंग में जाएंगे तो आप समझ जाएंगे कि कैसे करते हैं। वो मैंने आपको पहले ही बताया है कि श्रिंकेज अलाउंस, मशीनिंग अलाउंस, डिस्टॉर्शन अलाउंस, उसके हिसाब से भी पैटर्न की डिज़ाइन की जाती है। ओके, नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ पैटर्न में लूज पीस पैटर्न है। लूज पीस पैटर्न में क्या होता है,
कि मान लीजिए आपको कोई डिज़ायर्ड कैविटी चाहिए, उस एक कैविटी आपने बना दी, लेकिन उसमें कहीं कहीं छोटे छोटे पार्ट भी पैटर्न के लगे होते हैं, मतलब 2-3 पार्ट होते हैं, ज़रूरी नहीं है 2 पीस में होता है, एक आधा ऊपर बना दिया आधा नीचे तो वो हो गया 2 पीस पैटर्न, लेकिन इसमें अलग है कि इसमें छोटा सा पार्ट कहीं लगा दिया हमें वहाँ पे अलग डिज़ाइन चाहिए, एक छोटा सा पार्ट कहीं और लगा दिया तो उसका डिज़ाइन हमें और चाहिए। तो ये होता है लूज पीस पैटर्न, मतलब ये लूज पीस हो गए हैं, लूज पीस का यूज़ करके हम पैटर्न में जो मोल्ड कैविटी बनाते हैं उसको हम बोलते हैं लूज पीस पैटर्न। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट टाइप में। नेक्स्ट टाइप है गेटेड पैटर्न। जैसा कि आप नाम से ही देख पा रहे हैं, गेटेड मतलब जो गेट क्या होता है, रनर के बाद जो आता है गेट, गेट क्या होता है, जहाँ से मटेरियल मोल्ड कैविटी में इंटर करता है वो पार्ट कहलाता है गेट। तो अगर नाम है गेटेड पैटर्न, उसका मतलब है उसमें बहुत सारे गेट होंगे। अब बहुत सारे गेट होंगे मतलब छोटे छोटे पार्ट की जो कैविटी होगी वो एक साथ मटेरियल अंदर जाएगा और सारे कैविटियों में फिल होता चला जाएगा, जैसे बोलेंगे गेटेड पैटर्न। जैसे इसका यूज़ कहाँ करते हैं, मास प्रोडक्शन में करते हैं और छोटे छोटे ऑब्जेक्ट बनाने में, मतलब एक बार हम इसको मोल्डन मटेरियल फ्लो करेंगे और ये इतने सारे पीस हमारे बन के चले तैयार हो जाएंगे, एक पीस 2-3-4-5-6-7-8-9-10 10 पीस हमारे तैयार हो गए। अब यही सर्कुलर होगा, ज़रूरी नहीं ऊपर नीचे लगेगा, साइड में भी एक लगा देंगे, उस तरफ भी लगा देंगे, तो कई सारे छोटे छोटे पीस हम लोग इसमें लगा देते हैं। तो ये मास प्रोडक्शन में यूज़ होता है गेटेड पैटर्न। नेक्स्ट है मैच प्लेट पैटर्न। मैच प्लेट पैटर्न क्या है, मैच प्लेट पैटर्न है, देखिए जैसे कि प्लेट होती है, उस प्लेट में हम लोग एक जैसे कि एक गेट लगा देंगे, इस गेट के थ्रू हम मोल्टन मटेरियल को इंटर कराएंगे। जैसे कि वहाँ गेटेड पैटर्न में क्या था, एक पाइप में बहुत सारे ऑब्जेक्ट लगा दिए थे, तो वो हो गया गेटेड पैटर्न। लेकिन मैच प्लेट, जैसे कि नाम आ गया प्लेट, तो एक प्लेट में अगर हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट, जैसे कि ये पहला ऑब्जेक्ट, दूसरा ऑब्जेक्ट, तीसरा ऑब्जेक्ट, ये तीनों ऑब्जेक्ट अगर हम लगा देते हैं एक प्लेट में, तीन नहीं कई सारे प्रोडक्ट लगा सकते हैं, और फिर अगर हम कास्टिंग करते हैं तो ऐसे पैटर्न को बोलते हैं मैच प्लेट पैटर्न। मतलब अगर हम इस प्लेट से मोल्ड कैविटी बनाएंगे तो उस कैविटी में कई सारे प्रोडक्ट एक साथ छोटे छोटे बन जाएंगे, तो इसका भी यूज हम लोग मास प्रोडक्शन में ही करते हैं। नेक्स्ट है कोप एंड ड्रैग पैटर्न। ये कुछ नहीं है, स्प्लिट टाइप जो पैटर्न होता था 2 पीस पैटर्न, उसी का एक पार्ट है। इसको कोप एंड ड्रैग पैटर्न क्यों कहते हैं, क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जब पैटर्न स्प्लिट होता है तो ऊपर के पार्ट को हम कोप बोलते हैं, नीचे के पार्ट को हम ड्रैग बोलते हैं, और बीच वाले पार्ट को हम लोग चीक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चीक, याद रखिएगा चीक, बहुत लोगों को याद नहीं रहता है तो याद रखिएगा चीक होता है बीच वाले पार्ट को। अगर बहुत बड़ा पैटर्न होगा, तीन पार्ट में डिवाइड होगा, मतलब कोप अलग, ड्रैग अलग और चीक अलग, तो हम लोग इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो कोप एंड ड्रैग पैटर्न या स्प्लिट पैटर्न एक ही होता है। नेक्स्ट आता है स्वीप पैटर्न। स्वीप, जैसे कि आप नाम ही जान रहे हैं, स्वीप मतलब घुमाना। क्या करेंगे स्वीप पैटर्न में होता है, 2D ऑब्जेक्ट लेंगे आप और उससे 3D कैविटी बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, देखिए आप एक पेपर की एक सीट लीजिए, ये एक पेपर की सीट ले ली, आप इसको बालू के अंदर ले जाइए और मतलब हार्ड होनी चाहिए, पेपर की सीट मत लीजिएगा, वुड की सीट ले लीजिएगा, वुड की। तो वुड की जब सीट लेंगे, इसको आप बालू में इस तरह से अंदर डालेंगे, इस तरह से अंदर डालेंगे बालू में, और जब इसको रोटेट कर देंगे, घुमा देंगे, तो क्या होगा कि इस एक्सेस के अबाउंड इसको घुमा देना, तो ये होगा कि ये जो 2D पार्ट था इसको बोलते हैं पैटर्न जो, और ये पैटर्न को जब आपने रोटेट किया तो ये 3D कैविटी क्रिएट कर देगा कोन के आकार की। तो अगर 3D ऑब्जेक्ट बनाया जाए बाय द यूज ऑफ 2D सीट तो उसको हम बोलते हैं स्वीप पैटर्न। 2D से 3D कैसे बनेगा, जब हम आपको उसको घुमाएंगे, तो इसीलिए उसको बोलते हैं स्वीप पैटर्न। ठीक है, नेक्स्ट आता है सिगमेंटल पैटर्न। सिगमेंटल पैटर्न का मतलब क्या है, सिगमेंटल जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, किसी भी प्रोडक्ट का एक सिगमेंट उठा लीजिए, अगर वो सिगमेंट पूरे प्रोडक्ट
को बताने लगता है। मतलब अगर ये पूरा सिमेट्रिक है और अगर एक जैसे कि ये पहिया है, इसमें चार पार्ट है, चार बार ये बना हुआ है, तो हम अगर एक सेगमेंट को उठा लेते हैं और इसी सेगमेंट को यहाँ कॉपी करते हैं, फिर इसको यहाँ कॉपी करते हैं, इसको यहाँ कॉपी करते हैं, तो हमारा पूरा पहिया तैयार हो जाता है। तो अगर हम किसी पैटर्न में एक छोटा सा किसी का पार्ट, सिमेट्रिक पार्ट ले लेते हैं और उससे हम पूरे कैविटी का क्रिएशन करते हैं, तो उसको बोलते हैं सिगमेंटल पैटर्न बाय यूजिंग 2D प्लेन पैटर्न। मतलब इस छोटा सा प्लेन पैटर्न ले लिया, 2D पैटर्न, वी कैन प्रोड्यूस 3D मोल्ड कैविटी बाय रोटेटिंग द पैटर्न इनसाइड द मोल्ड सैंड, मोल्डिंग सैंड। तो इसमें भी देखिए वही है, बस सिगमेंटल का मतलब एक छोटा सा पार्ट ले लिया और हमने उसको पूरे में रोटेट कर दिया। ओके, सिगमेंटल पैटर्न आप समझ ही गए होंगे। सिगमेंटल पैटर्न के बाद आता है स्केल्टन पैटर्न। स्केल्टन पैटर्न, स्केल्टन देखिए नाम से ही आपको डर लग रहा होगा, स्केल्टन मतलब जो कंकाल टाइप का होता है वो, तो कंकाल से याद रखिएगा कि बड़ा कंकाल बहुत बड़ा होता है, तभी मुझे डर, तभी डर लगता है। तो क्या है ये, बिग कास्टिंग के लिए यूज होता है, मतलब और सिंगल पीस पैटर्न के तरीके से यूज होता है। जैसे कि ये इसका हम यूज कहाँ करते हैं कि जैसे कि मान लीजिए मुझे बहुत बड़ी कोई कास्टिंग का मैन्युफैक्चरिंग करना है, बहुत बड़ा पार्ट है कोई, अब हम लोग अगर उसका कास्टिंग ज़मीन के नीचे कर देंगे, उसमें गड्ढा कर देंगे, गड्ढा करने के बाद उसके जो जिस डिजायर शेप का चाहिए उस डिजायर शेप का गड्ढा बना देंगे, तो उस वो हो जाएगा आपका स्केल्टन पैटर्न। अब आप में क्या है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत की नहीं, ज़रूरत नहीं है, सीधे आप करेंगे इसके कैविटी को, मतलब मोल्टन मेटल को लाके इसमें फिल कर देंगे, ग्रेविटी के द्वारा इसमें फिल कर देंगे, तो हमारा सीधे एक बड़ा सा प्रोडक्ट मिल जाएगा। इसी को बोलते हैं स्केल्टन पैटर्न। और उसके बाद आता है फॉलो बोर्ड पैटर्न। फॉलो बोर्ड पैटर्न क्या होता है, जो कि एक बोर्ड है, बोर्ड में कोई किसी भी शेप के, जैसे ये बोर्ड है, ये बोर्ड इस शेप का है, तो अब हम इसी शेप की हमें कास्टिंग बनानी है, तो इस शेप से अगर हम कोई पैटर्न बनाएंगे तो वो बनाएगा फॉलो बोर्ड पैटर्न। तो इसका यूज़ होता है बेसिकली जो जैसे कि हम ये बोर्ड है, बोर्ड के ऊपर सैंड डालेंगे और सैंड के बाद जो हमारा सैंड यहाँ जम जाएगा, तो जो निकल के आएगा वो उसी शेप का बन जाएगा। तो इसीलिए जो ये पैटर्न है ये बोर्ड के शेप को फॉलो करता है, इसीलिए इसको बोलते हैं फॉलो बोर्ड पैटर्न। तो आज हम लोगों ने क्या सीखा, आज हम लोगों ने टाइप्स ऑफ पैटर्न के बारे में जान लिया। टाइप्स ऑफ पैटर्न में सारे टाइप्स जितने भी हो सकते हैं वो सब जान लिए हैं, और इन सभी का यूज कहाँ कहाँ करते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा बहुत सारी कास्टिंग के टाइप्स ऑफ कास्टिंग होती हैं, तो वो सब भी मैं आपको बता दूंगा अभी। तो आज के लेक्चर के लिए थैंक यू।